तो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें हमारी बात ये हुई थी कि कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं, डोमेन गिवन होता है और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि होती तो ये एक सर्च प्रॉब्लम ही है, लेकिन इन अ ब्लैक बॉक्स होती है, यानी हमें नहीं पता होता कि इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है। तो कुछ हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, सेट ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn। कुछ हमारे पास डोमेन होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, d1 d2 अप टू dn, और सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स c, जो कि बेसिकली हमें बताते हैं कि अलाउेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, यानी जो भी वैल्यूज हैं उनके अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है। इस चीज को हमने समझा था एक एग्जाम्पल से, क्रॉसवर्ड पजल के हिसाब से, कि मिसाल के तौर पे ये क्रॉसवर्ड पजल है, आपको इसके अंदर वैल्यूज कुछ इस तरीके से इंसर्ट करनी है कि मिसाल के तौर पे बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि पहले का जो थर्ड है वो सेकंड का फर्स्ट होना चाहिए, इसी तरीके से पहले का जो 5th कैरेक्टर है वो थर्ड का फर्स्ट होना चाहिए। डोमेन हमें यहाँ पर गिवेन है क्योंकि 1 2 3 8 जो है उसमें 5 कैरेक्टर वाले वर्ड आने चाहिए, और वेरिएबल्स फ्रॉम 1 to 8 हैं, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। इसी तरीके से एन क्वीन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से, के एन क्वीन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो उसमें कहाँ जाके कौन सी क्वीन को फिट करना है, इस तरह फिट करना है कि आपस में टकरा ना रही। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारी ये एक मैप कलरिंग का प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास कुछ टाइल्स हैं ABCDE, कलर्स हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, और कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि अगर ए को जो कलर दिया गया है वो बी का नहीं होना चाहिए, जो ए का कलर है वो सी का नहीं होना चाहिए, ए का कलर डी में नहीं होना चाहिए और ए का कलर ई में नहीं होना चाहिए, इसी तरह बी का कलर सी में नहीं होना चाहिए और सी का कलर डी में नहीं होना चाहिए और डी का कलर ई में नहीं होना चाहिए, ये इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। आवाज बहुत हल्की आ रही है भाई, सबको हल्की आवाज आ रही है? सही है यार नवीद, थोड़ा सा जो है ना वो मुंह हाथ धो लो, कान वान साफ करो, सेट आ जाएगी आवाज। ठीक है, अपने कंप्यूटर के भी कान वान साफ करो, मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल को भी जरा टूथ ब्रश वगैरह कराओ सर। ठीक है, सो रहा होगा अभी, सो को उठाए ना, तो इसलिए थोड़ा सा उसका प्रोसेसर जो है ना वो टन होगा अभी। पहले किसी जमाने में लोग शराब पी के टन हुआ करते थे, आजकल लोग पता नहीं बगैर कुछ करे टन होते हैं, सुबह सुबह तो खास तौर पर। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर मैप कलरिंग का एक प्रॉब्लम हमने देखा था, तो ये भी हमने समझने की कोशिश की थी कि कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ नॉर्दर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मानिया है, ये स्टेट्स के नाम हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं, डोमेन्स हैं रेड ग्रीन ब्लू, इनमें से कोई एक कलर आप किसी स्टेट को देंगे। अब इसमें क्या है कि जनाब जो कलर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं तो वो आप नॉर्दर्न टेरिटरी को नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी कलर, अगर मिसाल के तौर पे इसको रेड देते हैं तो इसको ग्रीन नहीं, इसको भी रेड नहीं देंगे, इसको ब्लू देते हैं तो इसको ब्लू नहीं देंगे, तो ये एक्चुअली इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। एडजेसेंट रीजन्स मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, मिर्जा मोहम्मद हम्माद क्या कह रहे हैं बेटा आप? अच्छा, कुछ नहीं कह रहे,
तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स का, वो होता है बाय सेटिस्फाइंग ऑल कॉन्स्टेंट्स। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दे दें, एनटी को ग्रीन दे दें, क्यू को रेड दे दें, एनएसडब्ल्यू को ग्रीन दे दें, बी को रेड दे दें, साउथ ऑस्ट्रेलिया को ब्लू दे दें, टी को ग्रीन दे दें, इस तरह का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक का कलर डिफरेंट हो, वो मैप कलरिंग प्रॉब्लम कहलाता है। और उसको आप सीएसपी यानी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। डिफरेंट जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी शेड्यूलिंग में यूज होता है, बिल्डिंग डिजाइन में यूज होती हैं, प्लानिंग में, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में यूज होती हैं, विजन, कंप्यूटर विजन के अंदर इसको यूज किया जाता है, ग्राफ लेआउट में इसको यूज करते हैं हम, नेटवर्क मैनेजमेंट में इसको यूज करते हैं, और BLSI डिजाइन में भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जहां पर सीएसपी को यूज किया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट ग्राफ का। वो क्या चीज है कि जब भी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको उसके रिस्पेक्टिव ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है प्रॉब्लम सॉल्व अगर हमें करना है तो उसको किसी ना किसी स्ट्रक्चर में लेके आना होगा जिसको हम कंप्यूटर को समझा सकें। तो ग्राफ की टर्म में हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं। जैसे अब इस पर्टिकुलर मैप को हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया कि इसमें आप देखें कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड है, तो यहाँ ग्राफ में भी कनेक्टेड है, फिर ये आपस में भी कनेक्टेड है तो ये आपस में भी कनेक्ट हो गए। इसी तरह ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ये क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है, और क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स से कनेक्टेड है, और न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया ये विक्टोरिया से कनेक्टेड है, तो तस्मेनिया है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ ग्राफ में बिल्कुल सेपरेट नजर आ रहे हैं, कोई एज नजर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टेंट ग्राफ होते हैं इनके अंदर भी बेसिकली हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज है बाइनरी सीएसपी, यानी के सीएसपी की टाइप आप कह लें कि बाइनरी सीएसपी से मुराद ही होती है कि जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर को लिंक कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं करते, दो या दो से कम करते हैं। इस किस्म की जो सीएसपी होती है या कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होती है उसको हम बाइनरी सीएसपी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पिछले एग्जांपल में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टेट दो से ज्यादा स्टेट से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं देखें यहाँ पे क्वींसलैंड जो है वो तीन स्टेट से कनेक्टेड है, तीन रीजन से कनेक्टेड है, सही है, तो लिहाजा इसको आप बाइनरी सीएसपी नहीं कहेंगे। अच्छा, बाइनरी कॉन्स्टेंट ग्राफ वो बेसिकली क्या है कि अच्छा इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ बात कॉन्स्टेंट्स की हो रही है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स कलर की बात हो रही है, तो कॉन्स्टेंट्स में हमें देखना है कि वो दो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। बाइनरी कॉन्स्टेंट ग्राफ क्या होता है कि इसमें हम करते ये हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इन दी फॉर्म ऑफ अ नोड बना लेते हैं, और जो आर्क्स होते हैं उनकी मदद से हम कॉन्स्टेंट्स को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो जनरल पर्पस जो सीएसपी एल्गोरिथम्स होते हैं वो ग्राफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं सो दैट के सर्च जो है वो स्पीड अप हो जाए। जैसे हमारी एग्जांपल के अंदर तस्मेनिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम है, उसका छोटा सा पार्ट है। अच्छा, ये एक एपलेट अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है airspaces.org। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको जो है ना वो अपने फोल्डर में भी रख के दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप सीएसपी प्रॉब्लम को जरा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई आप एक वेरिएबल बना लें, कॉन्स्टेंट बना लें, फिर उनको आपस में कनेक्ट करें, और फिर उसको जो है ना उसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें सारा कोड वगैरह लिखा हुआ है इन जावा, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको जरूर देखिएगा, तो बात आपको थोड़ी सी और क्लियर होगी। लेकिन पहले जरा कुछ एग्जांपल्स और देख लें। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैप कलरिंग प्रॉब्लम है जिसमें ये हमारे पास कुछ
रीजन्स हैं और वो आपस में उनको इस तरह सॉल्व करना है कि दो स्टेट्स जो हैं उनका सेम कलर ना हो, नेबरिंग स्टेट का कलर सेम ना हो। तो बाइनरी कॉन्स्टेंट बेसिकली अगर हम इसका बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि नोड्स बना देंगे, इनमें से हर एक की एक नोड बना देंगे। फिर क्या करेंगे कि जो सबसे पहला कॉन्स्टेंट है हमारे पास वो देखें वो है ए और बी का कलर सेम नहीं होना चाहिए। अब देखें इस कॉन्स्टेंट के अंदर दो से ज्यादा आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो इस कॉन्स्टेंट को हम क्या कहेंगे, बाइनरी कॉन्स्टेंट कहेंगे। इसी तरह ए और सी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कॉन्स्टेंट आ गया है। ए और डी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, ये तीसरा कॉन्स्टेंट आ गया है। ए और ई का नहीं होना चाहिए और बी और सी का नहीं होना चाहिए, सी और डी का सेम नहीं होना चाहिए, बी और ई का नहीं होना चाहिए। यानी ये चीज कहलाती है जनाब कि आपने जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर बाइनरी कॉन्स्टेंट्स हैं। बाइनरी कॉन्स्टेंट से मुराद ये है कि किसी भी कॉन्स्टेंट के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे, ठीक है। वेरिएबल्स मुराद यहाँ पर ये जो नोड हमने ग्राफ में बना रखी है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसको हमने कॉन्स्टेंट ग्राफ में कन्वर्ट करा पहले, फिर कॉन्स्टेंट ग्राफ के अंदर हमने तमाम कॉन्स्टेंट इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि वो बाइनरी कॉन्स्टेंट ही रहें। अगर इससे ज्यादा होते हैं कि हम कहते हैं कि ए और बी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, फिर आगे हम कहते हैं कि यहीं पर एक और भी कोई और कंडीशन लगा देते और उसमें एक और वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता तो फिर जनाब होता ये कि ये फिर बाइनरी कॉन्स्टेंट नहीं रहते। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम है जो क्रिप्ट अर्थमेटिक की एक ये प्रॉब्लम है। अर्थमेटिक ये प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व करी थी? समझ में आ गई? चले मैं फटाफट समझा देता हूं, मेरा ख्याल समझ में आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। इसमें आपने जो है ना वो करना सिंपल ये है कि आपको ये कैरेक्टर्स दिए गए। ये क्रिप्ट अर्थमेटिक क्या चीज है कि आपको ये दो कैरेक्टर्स दिए गए सेंड और मोर, दो अल्फाबेट्स हैं, दो वर्ड्स हैं और इनका रिजल्ट भी बता दिए गए। अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको दे देता हूं कि ए और सी और नीचे लिख देता हूं डी। अब मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे आप बताएं कि ए सी और डी की क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप मुझे बहुत सारी वैल्यूज बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ भी लिख दें सर, आप वन वन यहां पे मैंने प्लस लिख दिया। तो आप कह सकते हैं कि सर आप ए और सी की जगह वन लिखेंगे तो टू आ जाएगा। तो आप कहते हैं कि सर, लेकिन मैं आपको एक शर्त लगा देता हूँ, कहता हूँ कि भाई ए इनमें तीन तीनों की वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी हो सकती। तो आप कहेंगे अच्छा सर अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू रख दें, जैसे आप यहाँ फोर कर दें तो फोर रखेंगे, यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ फाइव हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो फिर मैं कहता हूँ नहीं ऐसा होना चाहिए कि ए जो है ना वो सी से छोटा होना चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा सर फिर आप ऐसा करेंगे यहाँ पे सी की जगह पे नाइन रख दें, तो मैंने यहाँ पे नाइन रख दिया। तो अब फोर और नाइन को ऐड करेंगे तो फाइव तो नहीं आएगा, अब तो आ जाएगा थर्टीन। बात समझ में आ रही है? यानी बेसिकली आपको कुछ ये कैरेक्टर्स गिवन है, आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो जरा ये है कि हम यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते, यानी अपनी तरफ से भी नहीं समझा सकते। अपनी तरफ से मतलब कोई भी, जैसे हमने ये तो दो दो थे ना ए और सी, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं इस यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि M यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसी तरह O यहाँ भी है और यहाँ भी है, N यहाँ भी है और यहाँ भी है, E यहाँ भी है और यहाँ भी है, और Y अलबत्ता यही है ऊपर नहीं है। तो अब इसका मतलब ये कि जो M यहाँ होना चाहिए वो यहाँ भी होना चाहिए, इसी तरह जो O यहाँ हो वो यहाँ भी हो, और जो R यहाँ पर है वो तो खैर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन जो E यहाँ पर है वो यहाँ भी हो, जो n यहाँ पर है वो इधर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है
या एक्चुअल में हमें एस की, ई की, एन की, डी की, एम ओ आर वाई, इन सब की वैल्यू ढूंढनी है। ऐसी वैल्यू अगर हम रखें कि जब मिसाल के तौर पे जब हम दो दो वैल्यूज को सम करें तो वो नीचे वाले नंबर से आ रहा, तो ये हमें ढूंढना है। ये एक सीएसपी प्रॉब्लम है। सीएसपी प्रॉब्लम कैसे है, अगर आप इसको जी जी सर रिजवान ने समझाया होगा आपको कि अगर वेरिएबल्स हमारे पास ये हैं, अब मुझे इसमें बताएं, ये तो समझ में आ रहा है सेंड मोर, इसमें ई गायब है, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या चीज है? कैरी है, ठीक है। इनका डोमेन क्या है? डोमेन फ्रॉम जीरो टू नाइन है, यानी कि आप इनके अंदर जो वैल्यू ले सकते हैं वो जीरो टू नाइन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब एस की वैल्यू में लिखना चाहता हूं 15, तो आप मुझे फौरन मना कर देंगे। क्यों मना करेंगे? इसलिए कि 15 जो है ना वो डोमेन से बाहर है। समझ में आ गई बात? ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो आपको यहाँ पे कुछ गिवन है और कुछ हम और भी इसके अंदर कर सकते हैं, तो वो सिंपल है, बहुत मशहूर प्रॉब्लम है ये। क्या कैसे आया बेटा? Y कैसे आया? सेंड मोर के ऑप्शन में Y कैसे आया ये तो हमें बताना है ना। Y की वैल्यू हमें बतानी है। Y की कोई वैल्यू होगी फ्रॉम जीरो टू नाइन, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है ना ये सारे के सारे, इन सब की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे S है और E है और N है, ये सारे जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं। E यहाँ पे दो दफा लिख दिया मैंने, एक ही दफा लिखना काफी हो। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें यहाँ पर Y मिसिंग है, ठीक है। इनकी हमें वैल्यू बतानी है। अच्छा, वैल्यू जो है ना वो जीरो टू नाइन हो सकती है हर घेरे के अंदर। यानी S में 0 टू 9 वैल्यू आ सकती है। डोमेन समझा दें सर। बेटा मैं यहां से निकल के ना ऐसा थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर कि जो है ना वो चांद तारे नजर आ जाएंगे। क्या होता है डोमेन? डोमेन से मुराद है वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज, कि एक वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, एस में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। डोमेन से क्या मुराद है? रेंज ऑफ वैल्यूज। मिसाल के तौर पे अब जैसे हमारा है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली जो है ना वो एआई पढ़ रहा है, तो मोहम्मद अली की डोमेन क्या है, किसकी? जीपीए की। तो डोमेन है जनाब के सी आ सकता है, सी प्लस आ सकता है, या एफ आ सकता है, और क्या आ सकता है? हाँ, विड्रॉ भी आ सकता है। नहीं, विड्रॉ अब नहीं आ सकता। बी आ सकता है, बी प्लस आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। तो ये डोमेन है, इसको आप कहेंगे डोमेन। इनमें से कोई एक वैल्यू जो है ना वो आएगा ग्रेड। इसका ग्रेड स्टूडेंट का, तो ग्रेड एक वेरिएबल है और ये उस ग्रेड की डोमेन है। तुम लोग यार एक काम करो, तुम लोग जो है ना, मैं एक बात बताओ, तुम लोग के घर के करीब कोई स्कूल वगैरह है, प्राइवेट स्कूल है जहां पे प्ले ग्रुप की क्लासेस होती हैं छोटे बच्चों की, गली मोहल्ले में? वहां जाके ना पढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि जाहिर पढ़ तो सकते नहीं हो।
तो जब वहां पढ़ाओगे ना, तो बच्चों की किताबें जब पढ़ाओगे तो उनमें छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं, वो तुम्हें समझ में आ जाएंगी। या घर पे जो है ना ट्यूशन देना शुरू कर दो। अबे हाँ, स्कूल तो बंद है यार, यही मसला है। चलो जब खुल जाए तो बच्चों को पढ़ाया करो। घर में जो है ना अपने कुछ रिश्तेदार ढूंढ लो, कुछ बड़े बहन भाई, कुछ भाई, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, ताकि कुछ जो है ना तुम लोगों को भी बच्चों वाली बातें पता हो। ठीक है, उनका तो फ्यूचर बर्बाद होगा, तुम्हारा तो कुछ हाथ साफ हो जाएगा। वैसे ही कौन सा वो बड़े अच्छे टीचरों से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलें। तो ये हो गई बात वेरिएबल की और डोमेन की। अच्छा, मैं अगर किसी क्वेश्चन पे डांट भी रहा हूँ या बोल भी रहा हूँ, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप ना पूछें या मैं डिस्करेज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, पूछें, कोई भी इशू है तो पूछ लिया करें। सही है, ये इस तरह बोलने से बात आपके जहन में बैठ जाती है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों का मसला ये है कि जब तक आप लोगों की बेइज्जती ना की जाए ना, आप लोगों की बैटरी स्टार्ट नहीं होती है। तो अब बेसिकली ये हमारे पास ये करेक्टर हैं, और इनकी कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर हमें रखनी है, और हर एक की वैल्यू फ्रॉम 0 to 9 है। लेकिन इसमें जो शर्त है, जो कॉन्स्टेंट है, वो ये है कि कभी भी जो है ना वो दो करेक्टर्स की सेम वैल्यू नहीं होगी। ये कॉन्स्टेंट है इसका। ठीक है, कॉन्स्टेंट ये है। मिसाल के तौर पे एस की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेता हूं, तो फिर इनमें से किसी और करेक्टर की 4 नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो किसी और की 5 नहीं होगी। अगर ओ की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, तो किसी और की वैल्यू 6 नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये कैसे हम सोचेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है, इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हम इस पर गौर करें, इस प्रॉब्लम के ऊपर, तो इसमें एक चीज आप ये नोट करें कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इन वेरिएबल्स की, हर एक की, वो हो सकती है जनाब 9। तो अगर मैं यहाँ 4 दफा 9 ले लूं और नीचे भी 4 दफा 9 ले लूं, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास लिमिट है कि 9 से 9 तो किसी में हो ही नहीं सकता, और 9 हर एक का हो भी नहीं सकता। लेकिन चलो हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो नतीजा ये होगा कि हमारे पास ये जो एड अप होंगे, वैल्यू जो एड होगी, तो वो कभी भी जो इधर आ रही है वैल्यू, वो 1 9 से ज्यादा नहीं होगी। आखिर में जो वैल्यू आएगी वो 1 9 से ज्यादा नहीं होगी कभी भी। लिहाजा ये चीज कंफर्म है कि एम की वैल्यू जो है ना वो 1 होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, मैंने कहा सेम नहीं हो सकती, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा इधर क्या वैल्यू हो सकती है भाई। हो सकता है इधर 9 हो, इधर 8 हो, और ऊपर कोई ना कोई कैरी हो, तो वो हम कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कभी भी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। जब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इधर मैक्सिमम वैल्यू 19 आएगी। ठीक है, जब इधर मैक्सिमम वैल्यू 19 आएगी, तो एम के अंदर वैल्यू 1 होगी। तो हमने कह दिया भाई एम की वैल्यू तो 1 है, ये तो हमने आंसर एक निकाल लिया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि जब एम की वैल्यू 1 है, तो अब बाकी वैल्यूज निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं कि m की वैल्यू 1 है, तो यहां भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 तो इधर आ गया, 1 1 इधर आ गया। अच्छा, अब s की वैल्यू क्या होगी ये सोचना है। ठीक है, तो s की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि यहां पर जो वैल्यू आए वो कैरी करे। अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं एस की वैल्यू लेता हूं 5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी तो नहीं होगा। अगर मैं यहां 8 रखता हूं, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो कैरी तो नहीं होगा। तो यहां पे 9 होना जरूरी है। अगर यहां 9 होगा, तो ही यहां पर 1 प्लस होके बेसिकली यहाँ पर 10 होगा, यानी कैरी होगा। लिहाजा हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई एस की वैल्यू तो 9 होगी। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि
एस की वैल्यू तो 9 से कम हो लेकिन ऊपर कैरी हो कोई, हाँ 10 से वैल्यू कम रखनी है ना, डोमेन आपका 0 to 9 है ना, डोमेन आपका 0 to 9 है, किसी भी वेरिएबल कैरेक्टर की वैल्यू 9 से ना बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी हो सकती है, इनके दरमियान ही होगी और रिपीट भी नहीं हो सकती। तो एस की वैल्यू भी हमने 9 जो है ना वो फाइनल कर दी। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो उसमें मैंने जैसे कह दिया कि भाई एस की वैल्यू मैंने 9 कर दी है, तो आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बैक ट्रैक भी कर सकते हैं कि भाई नहीं एस की वैल्यू अब 9 नहीं होगी कुछ और होगी। ये बेसिकली जिस अभी तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ऐसे माइंड में कर रहे हैं ना जैसे सोच रहे होते हैं उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको हम आगे जाकर इसके लिए बकायदा कोड लिख सकते हैं, इसके लिए कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप यही है कि आप माइंड से सोचें कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है, कॉन्स्टेंट्स को जहन में रख के सोचें। तो हमने कह दिया कि भाई एस की वैल्यू 9 हमने फाइनल कर ली, तो भाई एस की वैल्यू 9 हो गई और एम की वैल्यू 0 हो गई। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर एस 9 है और एम 1 है तो ओ की वैल्यू क्या होगी फिर? जाहिर सी बात है 0 होगी, तो लिहाजा हमने कहा कि ओ की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस तरह हमने 3 कैरेक्टर्स की वैल्यू निकाल चुके हम लोग, बल्कि 4 की निकाल चुके, नहीं 3 की निकाली अभी। तो अब ये ओ की वैल्यू जो है वो हमने फाइनल कर ली, वो 0 हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं जरा। अब इधर आके हम देखेंगे कि ई की वैल्यू क्या होगी। तो अब ई की वैल्यू जो है वो ओ की वैल्यू क्या होगी? ये तो ओ जो है ना हमने फाइनल कर लिया कि ओ तो 0 है। ठीक है, सही है। देखिए ये जैसे हम कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर इनिशियल स्टेप में कोई गड़बड़ होती है तो आगे जाके फौरन पता चल जाता है। तो अगर जैसे हमें आगे जाके अंदाजा होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम फिर रिवर्ट बैक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सही चल रहा है। तो ओ की वैल्यू हम 0 फाइनल कर चुके हैं, O की वैल्यू 0 है तो N की वैल्यू और E की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है और वो ये है कि यार इधर हम जो हमने जब यहाँ पे 9 ले लिया है ना, तो जब 9 ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाली जगह है यहाँ पे कैरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि E प्लस 0 जो है, अगर E प्लस 0 की मैं बात करूं तो वो N के बराबर है। ठीक है, सही है। अच्छा अब या तो E N के बराबर है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टेंट में है कि दो करेक्टर बराबर बराबर नहीं होंगे। यानी अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं E प्लस 0 इक्वल्स टू N तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये कंक्लूजन ये निकालेगा कि ई जो है वो एन के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि यकीनी तौर पे यहां पर एक कैरी है। ठीक है, उस या लाजमी तौर पे यहां पे कैरी है। अगर यहां पे कैरी नहीं होगा तो इसका मतलब ई और एन बराबर है, लिहाजा उसको हम एक्स वन कह देते हैं, एक्स टू कह दें, एक्स थ्री कह दें, कुछ भी कह लें, यानी कैरी यहां पर मौजूद है। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई ई के अंदर जो है वो एक्स वन जमा हो रहा है जो कि एन के बराबर है। भाई बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, अच्छा अब हमें ये भी पता है कि कैरी जो है ना वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n और r की वैल्यू जो है वो देखो जो वैल्यूज बची हैं 8, 7, 5, 4 उनमें से किसी का भी सम जो है ना वो 20 नहीं हो सकता, 20 से कम ही होगा। तो इसका मतलब ये चीज भी कंफर्म है कि x की x जो कैरी है उसकी वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आ रही मेरी बात? ओ भाई हीरोज और हीरोइंस,
एक तो सारे हीरो हीरोइन है और हर एक की लाइफ में कोई ना कोई विलन है, और आज का विलन तो मैं ही हूं। तो अब बेसिकली यहां पर ये चीज हमने फाइनल, ये एक इक्वेशन सी हमने निकाल ली कि भाई ई प्लस वन जो है ना वो एन के बराबर है, यानी ई और एन में जनाब एक वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हम आगे जाकर ई और एन की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें ई बेसिकली एन से बड़ा होगा और उनमें वन का डिफरेंस होगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे जो एन आएगा वो इधर भी आएगा, फिर आर की वैल्यू भी हमें निकालनी है, ई की वैल्यू यहां पर हम कह सकते हैं कि ई जो है वो किससे बराबर होगा, ई प्लस वन एन के बराबर होगा, फिर वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी है और ई की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब बेसिकली एक इक्वेशन निकालने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इधर कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो एन और आर को जब हम जमा करते हैं तो वन कैरी आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली इस तरीके का होगा कि यहां पर कैरी वन आएगा। तो ये लास्ट टाइम में से सर रिजवान ने भी आपको समझाया होगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी जैसे कि हमने करी थी। मिसाल के तौर पे जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, जैसे ई की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर सपोज 5 अगर ई की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा, एन क्या निकलेगा हमारे पास भाई? ई प्लस वन एन के बराबर है, तो ई की वैल्यू 5 रखने का मतलब ये है कि फिर हमारे पास एन जो है वो 4 हो जाएगा। फोर हो जाएगा या 6 होगा? हाँ 6 हो जाएगा, जागे में तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ई 5 है अगर और एन 6 है, ठीक है, तो यहां पे भी 6 आ जाएगा। तो 6 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 यहाँ कैरी आ जाए? ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनमें से रख के देख लेते हैं। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 8 है हमारे पास, 2 है। अब मैं अगर 2 रखता हूं तो 6+2 करके तो कैरी नहीं आएगा, 6+3 करके भी कैरी नहीं आएगा, हाँ 6+8 करके कैरी आ जाएगा। तो मैं आर की वैल्यू 8 रख देता हूं। ठीक है, जब ये 6 और 8 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 4, इसका मतलब ई की वैल्यू 4 हो गई। तो ई की वैल्यू तो 4 नहीं है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू तो 5 है, इसका मतलब है यहां पर कोई कैरी है जो कि 1 है। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रख लें, जैसे मैंने यहाँ पे ई की वैल्यू 5 रख के देखी, तो आप क्या करें यहाँ पे कोई और वैल्यू रख के देख लें और उसके बाद आगे जाके देखें कि रिजल्ट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप बैक ट्रैक कर लें। ठीक है, ई की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कैरी है, तो आप क्या करें कि उस कैरी के हिसाब से, उस कैरी को आपने जहन में रखा है, तो अब आप डी और ई के लिए, तो अब E की वैल्यू इसका मतलब 5 है, तो E की वैल्यू 5 है तो यहां भी 5 है। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू यहां रखें जिसकी वजह से जो है ना यहां पे 1 कैरी आ जाए? तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास एक तो 2 है, और दूसरी रिमेनिंग वैल्यू जो हम बी में ले सकते हैं वो है 7। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 और 5 यहां पे 7 आएगा। 2 और 5 अगर 7 आता है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कैरी नहीं होगा, लिहाजा डी की वैल्यू हमें 7 रखनी पड़ेगी। 7 5 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, उसका मतलब वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी और डी की वैल्यू 7। समझ में आ रही बात? अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, जो कि एक सीएसपी प्रॉब्लम है। ये हमने अपने जहन के अंदर सोचते हुए इसका एक सोल्यूशन निकाला है। इसमें जो चीज हमें समझ में आनी चाहिए वो है कि आनी चाहिए कि भाई जो वेरिएबल्स हैं ये हैं, फिर इसमें जो डोमेन है वो ये है, और
बेसिकली और भी अगर कोई कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर देखें कांस्टेंट लिखा हुआ है कि डी प्लस ई जो है वाई प्लस टेन एक्स वन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो अगर डी और ई को आप जमा करें सेवन प्लस फाइव और ये वाई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई कैरी होगा, ठीक है, यानी कि ये इस तरह के कॉन्स्टेंट्स और भी डिफाइन हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सोल्यूशन ऐसा ढूंढना है जो तमाम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं, एक बात यहां पर ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यही सोल्यूशन हो, और हो सकता है कि यही सोल्यूशन हो और कोई ना हो, ये भी हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हो, ठीक है। बात यह कि सोल्यूशन जो है ना उसको तमाम कॉन्स्टेंट की जो शराइत है वो पूरी करनी चाहिए। अब आप अगर ये वैल्यूज यहाँ पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई सेवन और फाइव को ऐड करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा, फिर ये वन कैरी हो जाएगा, सिक्स और एट फोर्टीन और वन फिफ्टीन, ये वन आ गया, वन में फाइव ऐड करेंगे सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे नाइन और वन ऐड होंगे तो टू हो जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा कि नाइन फाइव सिक्स सेवन, जो एक्चुअल हमने कैलकुलेशन करी है, हमने करी है नाइन फाइव सिक्स सेवन और यहाँ पे लिखा हुआ है वन जीरो एट फाइव, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो जनाब आ रहा है 25601। तो इसमें जो है ना वो तमाम जो चीजें हैं जो कॉन्स्टेंट हैं इस सॉल्यूशन में वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ऑप्टिमल है कि नहीं है, सबसे बेस्ट है, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कि इसमें सारे कॉन्स्टेंट हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी एक प्रॉब्लम है, सुडो को खेल आपने खेला होगा, ये विंडोज में भी होता है। इसमें भी क्या है कि हमारे पास वेरिएबल हैं, डोमेन 1 to 9 है, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं कि जो डिफरेंस कॉलम का निकलना चाहिए हर कॉलम का वो एक मखसूस होना चाहिए, ठीक है, तो या रॉ का जो हम डिफरेंस निकालें वो डिफरेंस निकलना चाहिए, तो यानी कि जो डिफरेंस निकले हर कॉलम का वो अलग अलग हो, हर रॉ का अलग हो, हर रीजन का अलग अलग हो, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अब आपने इन कॉन्स्टेंट्स को रखते हुए इसके अंदर वैल्यू भरनी है, और कुछ वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। अब आप क्या करें, आप सोचें, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अब आप सोचें, और सोचने में क्या होगा कि आप एक एक वैल्यू रखते जाएंगे, फिर सोचेंगे अगर ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी तो क्या होगा। अच्छा, उसमें हो सकता है कि आपने कोई गलत वैल्यू रख दी, तो आप फौरन ही फिर बैक ट्रैक करेंगे, पीछे जाएंगे और वो वैल्यू मिटाकर फिर दोबारा वहां कोई नई वैल्यू रखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली इनसे जो है वो जो आप वैसे भी अगर आप इसको कर लें तो आपको मेंटली थोड़ी जहनी तौर पर थोड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे खाना खाने के बाद जो है वो पेट को सुकून मिलता है ना, इसी तरह दिमाग को इस्तेमाल करने से दिमाग को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है, उसको भी बेचारे को भूख लग रही होती है, तो आप जो है ना वो पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर, दिमाग को खिला रहे होते हैं, तो बेचारा अजीब बीमार हो जाता है, इसीलिए आप सुबह सुबह उठ के टुन हुए होते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छी चीजें भी खिलाया करें। इस तरह की प्रॉब्लम आप बैठ के सॉल्व करें, ये मिल जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे मिल जाएंगी, अखबारों में होती है, इनको बैठ के सॉल्व करें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें, बादाम खाएं, किशमिश खाएं, ठीक है, तो अम्मी भी आपसे खुश हों और आपके बच्चों की अम्मी भी आपसे खुश हों, लेकिन ये कि बेसिकली इस तरह की कोशिश करते रहिए करें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बेसिकली इस प्रॉब्लम को आप लोग एक्सप्लोर करें, सॉल्व करें अपने जहन से, खुद ही किसी भी तरीके से करें, लेकिन होना क्या चाहिए कि जो बेसिकली सॉल्यूशन आना चाहिए वो तमाम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। आप उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, कुछ लोग इस काम को जल्दी कर लेंगे, कुछ लोग लेट कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं वो जल्दी करेंगे, क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना वो ट्रेन हो चुका होगा इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप जो है ना, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप देखें, अच्छी तरह एक्सप्लोर करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं,
कुछ होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कुछ होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। देखें सीएसपी में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं कोई बताएगा मुझे? सीएसपी में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? वेरिएबल, डोमेन एंड कॉन्स्टेंट। तीन चीजें होती हैं, वेरिएबल, डोमेन, कॉन्स्टेंट्स। तो अभी हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि सीएसपी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें जिनका डोमेन या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, और कंटिन्यूस के अंदर जो है वो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो थोड़ा इक्वेशंस के ऊपर होते हैं। यानी जैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का आपको डिफरेंस पता है, तो जाहिर है वो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनको आप डिस्क्रीट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन फर्दर वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट से मुराद ये है कि उनकी जो रेंज है डोमेन की वो फाइनाइट हो, एक मखसूस वैल्यूज हो उनके अंदर ही आप उनको रख सकते हैं, ठीक है? तो वो कहलाते हैं जनाब फाइनाइट डोमेन। जैसे मैप कलरिंग में आपको पता है कि कलर रेड, ग्रीन, ब्लू में से कोई एक होगा, या एट क्वीन प्रॉब्लम के अंदर जो है वो या तो जीरो होगा या वन होगा। यानी जीरो का मतलब है कि क्वीन जो है ना वो किसी स्लॉट पर है, और वन का मतलब है नहीं है, और जीरो का मतलब और वन का मतलब है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है ओ डी एन, ये क्या चीज है? ये मिसाल के तौर पर एन वेरिएबल्स हैं और डी वैल्यूज हैं, या इसको इस तरीके से आप समझ लें कि मेरे पास कोई वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to n। तो अब या तो वन होगा या नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटीज दो हुई इसकी। इसी तरीके से टू होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज टू हो गई। ये मैं एन क्वीन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, कि ये स्लॉट है, ये भी दूसरी स्लॉट है, तीसरी है। अब यहाँ पे क्वीन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे क्वीन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे क्वीन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे क्वीन होगी कि नहीं होगी, इसी तरह यहाँ पे भी क्वीन होगी कि नहीं होगी। तो हर एक की टू है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 2n आपके पास आ जाएगा। यही 2 पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 डोमेन है, या एक्चुअली आप इसको डी एन कह सकते हैं। अच्छा 2 नहीं होता, मिसाल के तौर पे ये होता भाई 4 होता, कि भाई 4 पॉसिबिलिटीज हैं डोमेन की एक वेरिएबल की, तो आप 4n लिख देते फिर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये जो मैं फारसी में मैंने अभी बातें की हैं, समझ में आई आपके? ये फाइनाइट डोमेन की बात हो रही है, तो वो आगे लिखा हुआ है, ये जो बिग ओ नोटेशन यहाँ यूज हुई हुई है, ये यही बता रही है कि जो अपर बाउंड होगा इसका या मैक्सिमम वो होगा आपके पास वैल्यू होगी वो यही होगी। यार ये थोड़ी थोड़ी नहीं बोला करो, या तो बात समझ में आती है या नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी से क्या मुराद है? मतलब या तो बंदा जिंदा होता है या मर जाता है। अब आप कहें नहीं सर थोड़ा थोड़ा जिंदा है और थोड़ा थोड़ा मर गया, ठीक है बात हुई यार, या तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। इनफाइनाइट डोमेन क्या होता है? नहीं तो बीमार भी होता है, बिल्कुल होता है मैं मानता हूं, लेकिन समझ की बात कर रहा हूं ना, या तो समझ में आ गई या नहीं आ गई, सही है? तो भाई जिंदा होता है या मर्दा, वो मुर्दा होता है बंदा। अब वो अगर बीमार भी है तो जिंदा तो है ना, वेंटिलेटर पे भी है तो जिंदा तो है ना, ठीक है। छत से गिरा और मर गया तो मर गया बस, वो अब उसका स्टेटस चेंज हो गया, वो मर गया, या तो जीरो है या वन है। डोमेन आप अभी 2 ही रखे ना बस। अच्छा इनफाइनाइट डोमेन क्या होते हैं कि इसमें कोई डोमेन की रेंज नहीं होती है, बल्कि वैल्यूज कुछ इस तरह डिफाइन होती हैं, जैसे t1 + d < t2। इसका मतलब क्या है कि भाई t1 की जो भी वैल्यू है उसमें कोई और वैल्यू आप ऐड करेंगे तो वो t2 के करीब होगी, ठीक है। या जैसे जॉब स्केड्यूलिंग होती है, मिसाल के तौर पे कि एक जॉब जो है ना वो टास्क 1 आपकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप टास्क 2 शुरू करेंगे, सही है। मिसाल के तौर पे टास्क 1 में आपको 10 दिन लगते हैं और टास्क 2 में 2 दिन लगते हैं,
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टास्क टू में कितने दिन लगेंगे, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? 12 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस किस्म का जो डोमेन होता है वो इनफाइनाइट डोमेन होता है। सही है? तो इसी ये इनफाइनाइट डोमेन हो गए, फाइनाइट डोमेन हो गए, होते ये दोनों डिस्क्रीट ही हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हैं इनकी ये 10 और 2, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। अलबत्ता हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पे अब आप कहते हैं कि 1.5 या 2.70, 3.2, अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गए। इसमें ज्यादातर जो ऑपरेशन रिसर्च अगर आपने पढ़ा है तो उसमें जो ज्यादातर वेरिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है आप लोगों ने? ऑपरेशंस रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलें कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं पढ़ा, बेकार सब्जेक्ट है यार। उसमें भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से वैसे ही आप लोगों की जान निकलती है, बेहतर है कि ना ही पढ़ें। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी अबाउट वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स की कुछ वैरायटीज होती हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मैथ इज लव, ओहो, तो कुछ वैरायटीज होती हैं वेरिएबल्स की और कुछ वैरायटीज होती हैं कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स, अच्छा डोमेन आपको पता है, डोमेन तो वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है। सही है? तो अब बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? यूनरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यूनरी कॉन्स्टेंट से मुराद ये है कि भाई उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे एक कॉन्स्टेंट ये है कि भाई साउथ ऑस्ट्रेलिया का कलर ग्रीन होना चाहिए, तो अब ये कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो एक ही है, वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया। लिहाजा इस कॉन्स्टेंट को हम यूनरी कॉन्स्टेंट्स कहेंगे कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बाइनरी कॉन्स्टेंट से मुराद ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं। मिसाल के तौर पे साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो कलर होना चाहिए वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इस कॉन्स्टेंट के अंदर दो आपके पास वेरिएबल्स आ गए, लिहाजा ये बाइनरी कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा, अगर 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम ग्लोबल कॉन्स्टेंट कहते हैं। 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए एंड सो ऑन, तो वो बेसिकली कहलाता है ग्लोबल कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि तमाम वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, तो अब इसमें सारी वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, तो फिर वो जो है ना वो फिर ग्लोबल कॉन्स्टेंट कहलाता है। एक कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट से क्या मुराद है आपकी? यहां पे तो कांस्टेंट कोई चीज है ही नहीं। यहां पे 3 ही चीजें हैं सीएसपी के अंदर, एक होता है वेरिएबल, एक होता है डोमेन और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक होने की बात नहीं हो रही है, यहां पे हो रहा है कि कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं। तो कांस्टेंट 3 तरह के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और ग्लोबल। अगर कांस्टेंट में एक वेरिएबल है तो वो यूनरी है, दो है तो बाइनरी है, दो से ज्यादा है तो वो ग्लोबल है। बस बात समझ में आ गई? कांस्टेंट एक हो, दो हो, 3 हो, तो उससे कांस्टेंट की टाइप तो चेंज नहीं होती है ना, प्रॉब्लम की टाइप चेंज होती आती है। आप ये कर सकते हैं कि सीएसपी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं थ्योरी के अंदर। कि मिसाल के तौर पे एक यूनरी सीएसपी है, एक बाइनरी सीएसपी और एक ग्लोबल सीएसपी है। तो यूनरी सीएसपी ऐसी सीएसपी है जिसमें एक कॉन्स्टेंट हो, बाइनरी सीएसपी ऐसी सीएसपी है जिसमें दो कॉन्स्टेंट हो, और ग्लोबल सीएसपी ऐसी सीएसपी है जिसमें दो, 3 या 3 से ज्यादा कॉन्स्टेंट हो। आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं रिटन नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए कह दिया। कॉन्स्टेंट से मुराद बेटा रूल्स हैं, कंडीशंस हैं।
आप उनको प्रेफरेंसेस कह लें, कंडीशन कह लें, लेकिन सीएसपी में उनको कांस्टेंट कहा जाता है। नहीं नहीं ग्लोबल में बात यह है कि जो कांस्टेंट डिफाइंड है ना, उसकी वो उसमें एक तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स लिखे हुए हो। मिसाल के तौर पे मैं वही एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ग्रेड जो है ना एक वेरिएबल है, जीपीए वेरिएबल है, ठीक है। अब जीपीए वेरिएबल, ये वेरिएबल है हमारे पास है, सही है। अब ये जो जीपीए वेरिएबल है, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ये v1 है, ये d1 है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है भाई, ये डोमेन निकलती है 0 से 4 तक, ये वेरिएबल भी हो गए, डोमेन भी हो गई। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये है कि भाई जीपीए जो है ना, वो समझ लें कि जीपीए जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। ये कांस्टेंट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट है, ये यूनरी है कि बाइनरी है कि ग्लोबल है, ये वाला कांस्टेंट। ये यूनरी है, यूनरी इसलिए कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई? चले प्रेफरेंसेस या कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे रेड इज बेटर देन ग्रीन, या इसको आप जो है वो हर वेरिएबल की कॉस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज किया जाता है। तो आप कह लें कि ये सॉफ्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम अक्सर प्रेफरेंसेस कह देते हैं, होते ये कॉन्स्टेंट्स ही हैं, ठीक है। चलें जी, तो अब आप जरा आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा जी, तो अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये सीएसपी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम का आपको जो है ना वो आंसर वो पता है आपको, कांस्टेंट्स वगैरह सारी चीजें इसकी क्लियर है, मैप कलरिंग है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 5 हैं, डोमेन भी आपको पता है, रेड ग्रीन ब्लू इसका डोमेन है, यानी किसी भी वेरिएबल की या तो वैल्यू रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है। और दूसरी बात ये कि किसी का भी जो है नेबर्स का आपस में सेम कलर नहीं होना चाहिए, इसके कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है भाई, कोई बताएगा मुझे? ये DMM में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इवन शायद डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हो। हाँ, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लें और फिर उनमें से जो बेस्ट है उसको यूज कर लें। नहीं नहीं, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात नहीं हो रही है, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात हो रही है। ब्रूट फोर्स से मुराद ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं सारे निकाल लें और फिर उनमें से बेस्ट ढूंढ लें। तो ये एक एप्लीकेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो है वो 5 है, ए बी सी डी एंड ई, तो हर एक के अब जो है ना वो 3 पॉसिबल, 3 पॉसिबल कलर हैं। तो आप क्या करें कि हर कॉम्बिनेशन निकाल लें, यानी ए के अंदर 3, फिर इसके 3, फिर इसके। अब जब इसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो वो तकरीबन 3 की पावर 5, ये ऑप्शन आएगा, 3 की पावर 5 कॉम्बिनेशन आएंगे जो कि अच्छे खासे हैं।
समझ में आ रही ना बात? हाँ भाई, ओ भाई मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब जाहिर है इसी है तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो अब क्या करें? तो ये जैसे अब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से आपने क्या किया कि भाई आपने कहा जनाब के आपने कहा कि ए को रेड दे देते हैं, बी को रेड दे देते हैं, सी को रेड दे देते हैं, डी को रेड दे देते हैं, ई को रेड दे देते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तो है लेकिन ये कांस्टेंट को, कौन से कांस्टेंट को फेल कर रहा है? सबसे पहले ये पहले ही कांस्टेंट को फेल कर रहा है कि ए और बी का कलर ही सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ और बी दोनों का कलर रेड है, तो ये कांस्टेंट ने इसको फेल करा। अब आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया, अब नेक्स्ट पे आ गए। क्या आपने किया ये कि एक का कलर ग्रीन कर दिया, जब इसका कलर ग्रीन किया तो अब इसने जो है ना वो ये वाला कॉन्स्टेंट फेल है। इसको बी करें, ये इसको फेल कर रहा है, ये इसको बी, इसको आर कर दें तो भी ये इसको फेल कर रहा है। तो इस तरीके से एक एक सॉल्यूशन को फिर आप इस तरीके से डिस्कार्ड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे 3 की पावर 5 में, और जहां पर जाके तमाम कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो सॉल्यूशन आप पिक कर लेंगे। इसको कहते हैं हम ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि जाहिर है टाइम कंज्यूमिंग है, टू मच टाइम स्पेंड ऑन यूजलेस सॉल्यूशन, बेकार सॉल्यूशंस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा। तो क्या करें, बेहतर अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो हमारा एन क्वीन प्रॉब्लम है, अगर इसमें भी मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करूं कि भाई शुरू में 4 यहाँ थे, अब मैं क्या करूं कि एक आगे बढ़ा के अब इसको चेक करूं, फिर नहीं हो रहा तो थोड़ा फिर आगे बढ़ा के फिर चेक करूं, फिर चेक करूं, मतलब एक एक ऑप्शन आगे पीछे करता हुआ। अच्छा, इसमें जो ब्रूट फोर्स होती है इसमें ये होता रहता है कि आप जो है ना वो एक हर सोल्यूशन को फिर निकालते रहते हैं कि भाई ये सोल्यूशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस तरीके से गोल के करीब हो रहे होते हैं। तो इस ये काम इसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर क्या करें भाई, तो फिर हम CSP को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से ये CSP सॉल्व हो, ठीक है? तो वो जो एल्गोरिथम होगा वो CSP को सॉल्व करेगा। भाई मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, मैं क्या बातें कर रहा हूँ? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे पास ये ग्राफ है और इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि मिसाल के तौर पे अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करें या कोई भी हम ब्रूट फर्स्ट अप्रोच यूज करें, तो अब जैसे ये डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट वगैरह भी होते हैं ना, इनमें भी बड़ी हद तक जो है ना ये हमारे ब्रूट फोर्स वाली चीज आ जाती है, क्योंकि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? यानी आप करें ये कि भाई एक स्टेट पे जाएं, फिर वहां से दूसरी स्टेट पे जाएं, फिर वहां से तीसरी, यानी इस तरीके से करते रहें, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? अगर ब्रूट फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम वही है, यानी जितना डोमेन है उसको आप नंबर ऑफ आइटम से डिफ कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो आप 7 हमारे पास वैल्यू हैं और उनकी जो हर एक की पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 है, तो 3 की पावर 7 जो है ना वो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है। आप उनमें से आपको जो है ना एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग टाइम वो है और एप्लीकेबल नहीं है। सही है? तो अब CSP सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है? हम करते ये हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इन्फेरेंस का। इन्फेरेंस क्या होती है? देखें, जब भी हम एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे तो दो चीजें हमारे सामने आएंगी। एक आएगा सर्च, सर्च से मुराद ये है कि वेरिएबल के लिए कोई नई असाइनमेंट ढूंढेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होनी चाहिए। इन्फेरेंस क्या चीज होती है? कॉन्स्टेंट प्रोपेगेशन, यानी ये कि हम कॉन्स्टेंट को यूज करते हुए
आगे बढ़ेंगे और जो आगे जो नंबर ऑफ वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यूज है ना उनको किस तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, यानी इस तरीके के से स्टेप अटैक। अगर आपको याद हो कि अभी जो हम सेंड मोर मनी वाला काम कर रहे थे तो जब हमने उसको सॉल्व किया था ना तो हम कह रहे थे कि भाई यूं हो तो यूं होगा, यूं होना तो यूं है, अगर ये लग गया है तो ये नहीं होना चाहिए, यानी अगर एस में ये वैल्यू आ गई है तो अब दूसरे में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो पॉसिबल वैल्यूज ये बाकी हैं तो इनमें से ये होना चाहिए। अब ये जो चीज है ना इसको कहते हैं इन्फेरेंस। मिसाल के तौर पे एक स्टेट में रेड डिसाइड कर चुका हूं मैं तो अब अगली स्टेट में मैं रेड नहीं करूंगा बल्कि बाकी में से ढूंढूंगा। बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या कह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं? मर जाओ ना, खुदकुशी कर लो, जिंदा क्यों हो तुम लोग हैं? मर क्यों नहीं जाते? चले अभी आगे एग्जाम्पल आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। शादी करके मरेंगे ये। हाँ अभी मैंने ये बेटा आपको इसलिए समझ नहीं आया कि अभी मैंने समझाया ही नहीं है आपको ये, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपको कह रहा हूं कि अगर आपको याद हो कि अभी 10 बजे तक ब्रेक करते हैं, अभी क्या करोगे ब्रेक का है? तुम लोग क्या करोगे ब्रेक में मुझे बताओ, क्या करोगे ब्रेक में? सुट्टा लगाओगे? तो भाई सुट्टा तुम अभी बैठ के लगा लो, तुम्हें को मैं देख रहा हूं मना करूंगा, तुम क्लास में बैठे हो क्या? नींद पूरी करनी है तो सो जाओ, मैंने तुम्हें मना किया है क्या? बेटा जिस अगर ऑफ करवानी है तो तुम बंद कर दो सिस्टम, क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त तो मैं आपके कंट्रोल में हूं ना, आप चाहें तो मुझे चुप करा दे, म्यूट कर दे, मैं चुप हो जाऊंगा, बंद कर दे, मैं बंद हो जाऊंगा, ये तो आपके ऊपर है। आप सुट्टा लगाना चाह रहे हैं सुट्टा लगा लें, क्या मसला है? आप चाय पीना चाह रहे हैं चाय पी लें, सोना चाह रहे हैं सो जाए, मसला क्या है? तो इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस से मुराद मेरी ये है कि वो जो हम सेंड मोर हम कर रहे थे तो उसमें आपको याद है ना, हम सोच रहे थे कि भाई ई प्लस वन एन हो गया हो जाएगा, अच्छा ये वैल्यू ये थी तो अगली वैल्यू ये होनी चाहिए, ये चीज इन्फेरेंस कहलाती है। यानी कि हम कर ये सकते थे कि वहां पे भी ब्रूट फोर्स यूज करते कि तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना वो एक एक करके जो है ना सबको ट्राई करते रहते हैं, तो उसमें टाइम बहुत लगता है, तो हम इन्फेरेंस के थ्रू जो है ना अपना जो सर्च स्पेस होती है ना उसको कम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कबूतर की आंखें बंद करने से खतरा टल थोड़ी जाता है। अबे क्या खतरा है भाई तुम लोगों को यार, हैं? इसमें खतरे वाली क्या बात है भाई? ये कोर्स हर सेमेस्टर में ऑफर होता है, अभी समर में भी अगले सेमेस्टर में भी होगा, अभी नहीं कर पाए तो अगले सेमेस्टर में कर लेना, इसमें खतरे वाली क्या बात है यार, परेशानी वाली क्या बात है? अगर फॉल में भी ना कर पाओ तो स्प्रिंग में कर लेना, इसमें खतरे वाली क्या बात है यार? ठीक है, इन्फेरेंस मीन ये है कि आप जो है ना वो बेस्ड ऑन योर कॉन्स्टेंट अगला वेरिएबल पिक कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि वेरिएबल इस तरह का पिक करें जो के सॉल्यूशन के करीब हो। ठीक है, इस एग्जांपल से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट जिसको जो टर्म यूज होती है वो कहलाती है बैक ट्रैकिंग सर्च, या बीटीएस कहते हैं इसे। बैक ट्रैकिंग सर्च क्या होती है? ये एक अनइन्फॉर्म सर्च होती है, लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल को कोई ना कोई वेरिएबल असाइन करते हैं एट अ टाइम, और
वो जो वेरिएबल असाइनमेंट होती है ना, वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव से मुराद कि अगर मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दे रहा हूँ और नॉर्दर्न को ग्रीन दे रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये है कि मैंने नॉर्दर्न को ग्रीन दे दिया और वेस्टर्न को रेड दे दिया, ये दोनों बराबर हैं। ब्रूट फोर्स में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन वैसे जो है ना, ये बैक ट्रैकिंग में या BTS में ये सेम होते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंट जो है ना, वो हम रन टाइम पे चेक कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे वैल्यूज असाइन ना करें जिससे जो है ना हमारा सर्च स्पेस जो है ना वो बढ़ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे हम इनिशियली तो एम्प्टी स्टेट रख लेते हैं, फिर स्टेट जो है ना उनमें पार्शियली वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, और सक्सेसर फंक्शन होता है हमारे पास जो कि अनअसाइंड वेरिएबल में से कोई वैल्यू हमें असाइन करता है। हाँ, अरेंजमेंट डजेंट मैटर, गोल अचीव होना चाहिए। गोल टेस्ट क्या होता है कि जो हमें बताता है कि भाई हमने गोल अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया। एग्जाम्पल से देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैप कलरिंग प्रॉब्लम है। तो अब करना ये है कि भाई हर एक का 3 कलर में से कोई एक कलर लेना है और 2 नेबरिंग स्टेट का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि ए को हमने कह दिया मिसाल के तौर पे कि या तो रेड है या ग्रीन है या ब्लू है। ठीक है, अच्छा, अब ए रेड है, ए ग्रीन है, ए ब्लू है, तो उसमें यहाँ पर अगर ए रेड है तो इसका मतलब ये है कि इन इसके जितने भी नेबरिंग है अब उनमें से कोई रेड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से वो वाले सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखें यहां से 3 बी की अगर मैं पॉसिबिलिटीज देखूं तो 3 है ना, कि बी भी रेड हो सकता है, बी भी ग्रीन हो सकता है और बी भी ब्लू हो सकता है। तो आप जाहिर है ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहां यहां से हम फौरन ही वापस निकल जाएंगे, बैक ट्रैक हो गए हम। ठीक है, अब इधर आएंगे हम, तो इधर जो है ना वो आप देखें कि बी जो है ना उसका कलर ग्रीन है, पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। यहां पर अब हमने क्या किया कि सी को 3 कलर असाइन कर दिए, रेड ग्रीन ब्लू। तो अब सी को जब हमने 3 ऐसा कलर असाइन किए तो यहां पर ये वाला जो मिडिल वाला सॉल्यूशन है ये सही नहीं है, ये यहां पर आते हैं ये भी सही नहीं है क्योंकि ए और सी का कलर सेम हो गया है, तो हम फॉरन ही बैक ट्रैक हो जाएंगे। इधर आएंगे तो बी और सी का सेम हो गया, यहाँ से बैक ट्रैक होगा। इधर आए तो अब यहाँ तीनों का कलर जो है ना वो थोड़ा सही नजर आ रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि डी को 3 कलर असाइन कर दें। फिर डी को 3 कलर असाइन करने के बाद जो है ना वो आप चेक करें कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि आप अपना सर्च स्पेस बहुत कम करते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग सर्च, BTS। भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे पास वो स्टेट रीजन वाली प्रॉब्लम थी, तो आपने क्या किया कि किसी एक स्टेट को रेड ग्रीन लेकर उसको 3 कलर असाइन कर दिया, फिर उससे आपने नेक्स्ट सॉल्यूशन देखा, फिर उससे नेक्स्ट देखा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहते हैं, कोई भी इशू आता है तो आप बैक ट्रैक कर जाते हैं। ये बैक ट्रैकिंग सर्च का एल्गोरिथम है जिसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली हम बैक ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और ये रिकर्सिव होती है। यहाँ पे अगर आप करते ये हैं कि चेक कर रहे होते हैं, आपको असाइनमेंट आप कर रहे होते हैं, इनिशियली असाइनमेंट एम्प्टी होती है। CSP में बेसिकली हमारे पास सारे वो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अगर असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हम असाइनमेंट रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अनअसाइंड वेरिएबल उठाएंगे CSP में से और वो उठाकर उनको चेक करते रहेंगे अनलेस के आपको आपका गोल नहीं मिल जाता। ठीक है, अच्छा, ये एल्गोरिथम जो यहाँ लिखा हुआ है तो लिखा हुआ तो है, लेकिन अगर आप इसका कोड लिखेंगे तो ये छोटा मोटा कोड नहीं है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोड है। एल्गोरिथम की जुबान में तो आपने एक स्लाइड पे इसको लिख दिया है, लेकिन ये जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका डोमेन कितना बड़ा है, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कॉन्स्टेंट कितने हैं। अब यहाँ तो हम सिंपली कॉन्स्टेंट चेक कर रहे हैं कि हमने उठा के इस तरीके से कॉन्स्टेंट चेक कर लिया, लेकिन जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो कॉन्स्टेंट चेक करना उसके लिए लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, मैच हुआ तो बैक नहीं होगा। अगर ऐसी ऐसी स्टेट सामने आ गई जिसमें जो है ना जो सोल्यूशन नहीं होती तो हम बैक जाएंगे फिर। सही है, अच्छा, बैक ट्रैकिंग सर्च में भी जाहिर है टाइम बहुत लगता है, तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स अगर आपको याद हो,
क्या होती है हेरिस्टिक्स, किसी को याद है? अगर आपको याद हो ए स्टार में और ग्रीडी वगैरह में हम हिरिस्टिक की बात कर रहे थे कि हिरिस्टिक की हिरिस्टिक कोई भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। वो हमने डिफरेंट किस्म के यूक्लिड डिस्टेंस निकालने के लिए यूक्लिडियन भी यूज कर लिया, मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर लिया, यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसकी मदद से हमें जो है ना गोल के करीब होने में आसानी हो। ठीक है, तो बेसिकली उसकी मदद से हम करते क्या है, हम इसकी मदद से ये डिसाइड करते हैं कि अगला वेरिएबल कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इन किस ऑर्डर में वेरिएबल को सिलेक्ट होना चाहिए, या ये कि पाथ जो है ना ये फेल तो नहीं है, फेलियर आने से पहले हम डिसाइड कर लें। ठीक है, या हम जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से सर्चिंग के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हेरिस्टिक होती हैं। मिसाल के तौर पे ये भी हमारी जो एक हेरिस्टिक हो सकती है वो ये हो सकती है कि चूज द वेरिएबल विद द फ्यूएस्ट लीगल वैल्यूज इन इट्स डोमेन। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि रेड यहाँ पे दे दिया। अच्छा, जब मैंने यहाँ रेड दे दिया तो अब अगले में मैं ग्रीन दे रहा हूँ, अगले में मैं रेड दूंगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगले में मैं ब्लू दूंगा, अब अगले में मैं ना ग्रीन दूंगा ना रेड दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं यहां से यहां गया, यहां से इधर गया, इधर से अब ये वाली जो वैल्यू है रेड, इसको मैं अगर लेता हूं तो ये भी पॉसिबल है, इधर जाता हूं तो ये भी पॉसिबल है। तो अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो गई, अब इन दोनों में से कौन सा पिक करना है? तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो इसकी इसकी मदद से यहां पर कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, और इसकी अगर इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे कौन सी दो वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, यानी लीस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वैल्यू जो है वो हम अगर जहन में रखें तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहां समझ में आ रहा है क्या हो रहा है भाई? हाँ, देखें, अगर मैं यहाँ रेड लूंगा ना तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे पास एक ऑप्शन होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है इसमें, या तो ये है या ये है। लेकिन अगर मैं ये लेता हूं तो अब यहां पे मैं क्या लूं, क्यों, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है आपका। तो अब देखिए, यहां पर अगर मैं रेड ले रहा हूं तो अब यहां पे मैं कुछ भी नहीं ले सकता साउथ ऑस्ट्रेलिया में। क्यों नहीं ले सकता? सॉरी, यहां पे कुछ नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता कि ग्रीन लूंगा तो इससे टकराएगा, रेड लूंगा तो इससे टकराएगा, ब्लू लूंगा तो इससे टकराएगा। लेकिन अगर मैं ये रेड ले लेता हूं तो यहां पर मेरे पास ब्लू लेने का ऑप्शन है। तो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन अप्रोच जो है ना वो ये वाली हुई, इसको डिस्कार्ड करके इस रूट पे चलते रहो, तो उससे हमारा जो सर्च स्पेस है वो कम हो जाएगा, जल्दी हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पे ये कि क्या हम सीएसपी सॉल्व करते हुए फेलियर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी हम आगे बढ़ने से पहले चेक करें कि भाई हम गिर तो नहीं जाएंगे, आगे गड्ढा तो नहीं है। वो कैसे करते हैं कि उसको कहते हैं फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग क्या होती है कि जो भी रिमेनिंग लीगल वैल्यूज होती हैं अनअसाइंड वेरिएबल की, उनको हम उनका ट्रैक अपने पास रखते हैं, और जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल आ जाता है जिसकी कोई लीगल नहीं है, हम टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अब इसको एग्जाम्पल से समझें। मैप कलरिंग प्रॉब्लम है, अब मैप कलरिंग प्रॉब्लम को हमने कॉन्स्टेंट ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमने किया ये कि पांचों जो स्टेट हैं, सपोज हमने कहा कि हर एक के अंदर ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले वन को रेड दे दिया। ठीक है, जब वन को हमने रेड दे दिया तो उसके बाद हम करेंगे ये कि बाकी में से रेड का ऑप्शन ही निकाल देंगे, बाकी
बेसिकली कम हो जाए, यानी इस चीज को इस तरह समझें कि इनिशियली ये जो प्रॉब्लम थी इसमें जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज थी वो थी 3 की पावर 5, सही है। अब हमने नेक्स्ट में जब आए ना तो अब यहां पर ही कितना है, ये है 2 की पावर 4, प्लस 1, अच्छा फिर हमने किया ये कि यहां पर इसको ग्रीन दे दिया, जब इसको ग्रीन दे दिया ना तो बाकी पॉसिबल स्टेट में से ग्रीन हटा दिया अगली में से, फिर इसको जब हमने ब्लू दिया तो इससे अगली स्टेट में से ब्लू हटा दिया, और फिर यहां से जब ग्रीन दिया तो यहां से ग्रीन हटा दिया। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो हो ये रहा है कि अगली स्टेट में जाने से पहले अगली स्टेट की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम कम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग से क्या होता है कि हमारा जो सर्च स्पेस होता है ना वो कम हो रहा होता है, तो हम जल्दी गोल की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ भाई समझ में आ रहा है? अरे भैया ठीक है, अब जैसे दोबारा से इसी एग्जाम्पल को देखें, मिर्जा मोहम्मद को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, जरूर थोड़ी हर चीज समझ में आए, टेंशन वाली क्या बात है। वैसे भी देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम हो रहा होगा और तुम दोबारा ये स्लाइड देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इससे बेहतर है समझ ही ना आए ना। नहीं अब्दुल्ला रियाज आप बात नहीं समझे, वो क्या रहा है कि देखें जब ये हम रेड कर देते हैं ना तो अब अगली स्टेट में रेड हो ही नहीं सकता ना, तो अब यहां से 3 पॉसिबिलिटीज थी, या तो इसको रेड करते या ग्रीन करते 2 को या ब्लू करते, तो हमने वो वाली जो रूट था ना वो रूट ही कैंसिल कर दिया जिसमें सेकंड का रेड हो। सही है? नहीं मैं इसमें ऐसी क्या बात है यार, ऐसी होता है भाई। देखें आप लोग पेपर की तैयारी कब करते हैं, आप लोग पेपर की तैयारी कब करते हैं बेटा मोहम्मद जैन? एक दिन पहले ना, एक दिन पहले क्यों करते हैं? वजह क्या है एक दिन पहले तैयारी करने की? एक दिन पहले तैयारी करने का रीजन ये है कि अगर आप 2 दिन पहले तैयार कर लेंगे ना तो एग्जाम वाले दिन भूल जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही दिन तक रहता है। सही है? तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो ये आपके जहन में कब तक रहेगा? एक दिन तक रहेगा, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो यही तो कह रहा हूं मैं। तो जब भूल ही जाना है तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो समझना तो आपने अपने दोस्त से ही है एक दिन पहले। अच्छा ये हमारा फॉरवर्ड चेकिंग है, तो ये फॉरवर्ड चेकिंग को दोबारा से जरा गौर से देखें। क्या हो रहा है कि आपके पास आपने कॉन्स्टेंट ग्राफ बनाया, ठीक है, कॉन्स्टेंट ग्राफ बनाने के बाद अब आपने किया कि कलर असाइन करना है, तो अब कैसे कलर असाइन करेंगे आप देखें, इसको मजीद इसी से समझने की कोशिश करें कि भाई पॉसिबिलिटीज हर एक की 3 में से कोई एक है। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर डिफाइन कर दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जैसे ही आपने रेड कलर दिया तो अगले स्टेप में आपके पास जो क्वींसलैंड है या विक्टोरिया है या साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तस्मेनिया है, जितने भी हैं, तो आप क्या करें कि उनकी भी 3-3 है पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप उस जो सर्च स्पेस है उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस करके क्या करें कि रेड का ऑप्शन हटा दें,
किस किस में रेड का ऑप्शन हटा दें, इससे जो मिलती हुई है किससे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एनटी और एसए मिलते हैं, तो इनमें से रेड का ऑप्शन हटा दें तो आपका जो ट्री है या ग्राफ है वो कम हो जाएगा, सर्च स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करें कि अगली स्टेट को आप ग्रीन दे दें, अगली स्टेट को जब आप ग्रीन देते हैं तो इससे जो मिलती जुलती हैं, इससे जो इसकी जो नेबर है यानी कि क्यू की अगर हम बात करें तो इसके नेबर्स तीन है, एनटी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न वेस्ट है, उनमें से आप ग्रीन हटा दें, सही है। फिर मजीद ये कि आप अब जाहिर है इसको आप इन तीन इन इसको आप तीनों में से कोई सा भी कलर दे सकते हैं, सपोज आपने ब्लू दे दिया, जब इसको ब्लू दे दिया जो कि विक्टोरिया है तो विक्टोरिया के जो नेबर्स हैं उनमें से ब्लू हटा दें, यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न इनमें से आपने ब्लू हटा दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया कि यहां पर आपको अंदाजा हुआ कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि भाई ये जो है ना वो खाली स्टेट आ गई है, कलर ये यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं है, जब यहाँ पर कोई भी कलर नहीं बचा तो इसका मतलब एरर आ गया, अब आप बैक ट्रैक कर देंगे। वैसे तो एरर यहाँ भी आ चुका है लेकिन इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कोडिंग में, ठीक है, तो लिहाजा आपने यहाँ से बैक ट्रैक, आप यहाँ से कंडीशन ये लगाते हैं कि जब आप कोई भी ऑप्शन ना बचे यहाँ पर एम्प्टी हो गया है तो इसका मतलब आपने जो है ना वो गलत सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप बैक ट्रैक कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप फॉरवर्ड वे में चेक कर रहे होते हैं कि एरर आने के चांसेस हैं कि नहीं है। फॉरवर्ड चेकिंग की मदद से हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उसको कट कर रहे होते हैं जो कि अभी तक सर्च नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो फॉरवर्ड चेकिंग क्या करती है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोपगेट करती है, आगे बढ़ाती है फ्रॉम असाइंड टू अनअसाइंड वेरिएबल और फिर ऑब्जर्व कर रही होती है। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन चेक नहीं करती है अनअसाइंड वेरिएबल के दरमियान, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अपने सॉल्यूशन के करीब होते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर देते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम सीएसपी के अंदर पढ़ते हैं। सीएसपी के अंदर कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि हम कहते हैं जनाब वेरिएबल एक्स आई इज नॉट कंसिस्टेंट If all the values of domain xi satisfy all unary constant, ये कहलाती है unary constants। Unary constants से मुराद ये है कि हम किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं अगर वो डोमेन की तमाम कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बाइनरी कॉन्स्टेंट हो तो वो फिर नोट कंसिस्टेंसी नहीं कहलाती, वो आर कंसिस्टेंसी कहलाती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टेंट जो है ना वो यूनरी भी होते हैं और बाइनरी भी होते हैं। तो यूनरी कॉन्स्टेंट के हिसाब से जो कंसिस्टेंसी होती है वो नोड लेवल पर होती है और बाइनरी कॉन्स्टेंट के हिसाब से जो कंसिस्टेंसी होती है वो आर्क कंसिस्टेंसी होती है। यानी हम कहते हैं कि एक्स आर कंसिस्टेंसी होगी वाई के साथ इफ एंड ओनली इफ एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज कंसिस्टेंट विद सम वैल्यू ऑफ वाई। आसान अल्फाज में जब यूनरी कॉन्स्टेंट होता है तो कंसिस्टेंसी नोड लेवल पर होती है और जब बाइनरी कॉन्स्टेंट होता है तो कंसिस्टेंसी आर्क लेवल पर होती है। अच्छा, और अगर हमारे पास ग्लोबल कॉन्स्टेंट है, एन एरे कॉन्स्टेंट है, एन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है तो फिर जो कंसिस्टेंसी होती है वो पाथ कंसिस्टेंसी कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो तीन तरह की कंसिस्टेंसी होती है, नोड लेवल पे, आर्क लेवल पे और पाथ लेवल पे। ये डेफिनेशंस हैं। अगर आपको याद हो हमने कॉन्स्टेंट्स की तीन टाइप्स पढ़ी थी, यूनरी, बाइनरी और ग्लोबल।
तो यूनरी लेवल पे नोड होता है, बाइनरी लेवल पे आर्क होता है, और ग्लोबल लेवल पे पाथ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारे ये जो ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हम यही करते हैं कि ग्लोबल कॉन्स्टेंट को हम बाइनरी कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट करके फिर सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब ये आपको यूनरी कंसिस्टेंसी तो समझ में आ रही होगी नोड लेवल की। ये आर कंसिस्टेंसी क्या होती है? आर कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि हम कहेंगे कि एक्स और वाई के दरमियान आर्क कंसिस्टेंसी है इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज सम अलाउड वाई। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैप कलरिंग प्रॉब्लम है। हमने किया ये कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर दिया। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जब रेड कलर दिया तो नॉर्दर्न टेरिटरी जो है उसमें रेड नहीं हो सकता और साउथ ऑस्ट्रेलिया में रेड नहीं हो सकता, तो दोनों में से रेड निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने किया ये कि क्वींसलैंड को ग्रीन दिया। जब क्वींसलैंड को ग्रीन दिया तो अब क्वींसलैंड के साथ जो स्टेट्स हैं, यानी के नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स, इनमें से ग्रीन हटा दिया। ठीक है, अच्छा, जब इनमें से हमने ग्रीन हटा दिया तो अब मसला ये है कि जो ये जो न्यू साउथ वेल्स है, इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज बची वो बची रेड और ब्लू। सही है, और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है उसमें जो वैल्यू बची वो बची ब्लू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि न्यू साउथ वेल से भी ब्लू निकाल देंगे। इसलिए निकाल देंगे क्योंकि भाई साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स नेबर हैं। इसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें एक आ रहा है, और जाहिर है अगर आप गौर करें तो दोनों का कलर ब्लू तो हो नहीं सकता, तो इसमें से ब्लू हम निकाल देंगे। इसमें से जब हम ब्लू निकालेंगे तो अब जो विक्टोरिया है उसके जो तीन ऑप्शंस थे उसमें से रेड निकल जाएगा, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स का अब रेड पक्का हो चुका है। इसी तरीके से ये जो ब्लू है ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि अब इसका जो रिमेनिंग है उसमें से ब्लू मौजूद है। तो यहां पर यानी क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। अब उसके नतीजे में फिर आप यहां से अगर ब्लू निकालते हैं तो ये कोलाइड कर जाएगा इसके साथ, यानी जो आप स्टेट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी आप मेंटेन करके रख रहे हैं। सही है, इंतकाल हो गया बेटा तुम लोगों का सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के ऊपर, और उसमें हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक होती है यूनरी और एक होती है बाइनरी। बाइनरी क्या होती है कि मिसाल के तौर पे एक्स वेरिएबल जो है उसमें कुछ वैल्यूज हैं, यानी आप समझ लें कि एक्स में वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, वाई दूसरा वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यूज हैं वह है 1, 4, 9, 16, 25, 36। अच्छा, अब ये अगर मैं लिखता हूं एक्स कंसिस्टेंट वाई, तो अब इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, तो ये कौन सी कॉन्स्टेंट हो गया, ये यूनरी है कि बाइनरी है?
ये कॉन्स्टेंट यूनरी है कि बाइनरी है? बाइनरी है। तो अब जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आर्क होनी चाहिए। आर्क से मुराद ये है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट समझ लें ये है कि वाई शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम कहते हैं कि एक्स और वाई में आर्क कंसिस्टेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई दोनों एंड से जनाब ये कांस्टेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स की तरफ से देखता हूं तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो है ना वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 10 है। तो एक्स की जाने एक्स की तरफ से तो ये सही है, लेकिन अगर y की तरफ से देखता हूं मैं तो y की तरफ से क्या हर y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है? हाँ, ये जो 36 है इसके लिए 6 नहीं है, तो y की तरफ से ये नहीं है। तो लिहाजा अगर x और y को r कंसिस्टेंसी में सेटिस्फाई करना है तो यहां से 36 को डिलीट करना होगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड आर्क कंसिस्टेंसी। तो हम यही काम कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स के दरमियान आर्क कंसिस्टेंसी है अगर, ठीक है, तो फिर क्या करें भाई, यानी एक मिडल ऑफ द स्टेज पे हम पहुंचे हुए, रेड भी डिफाइन कर दिया, ग्रीन भी कर दिया, हम सारे काम करके इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में अगर आर्क कंसिस्टेंसी है तो भाई इनमें दोनों में सेम कलर नहीं हो सकता, लिहाजा हम इनमें से किसी एक में से कलर डिलीट करेंगे। तो किस में कर देते हैं? न्यू साउथ वेल्स में कर देते हैं। तो अब यहाँ सिर्फ रेड बचेगा, तो हमारा इसके सर्च स्पेस बचेगी। एक मिनट यार, जी हम बात कर रहे थे आर कंसिस्टेंसी की। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस तरीके से हम अपनी सर्च स्पेस करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे वी और न्यू साउथ विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स इनके दरमियान आर कंसिस्टेंसी है, तो अब दोनों में सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से रेड डिलीट मार देंगे क्योंकि इसमें रेड मौजूद है। अच्छा, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर है तो इसमें से किसी एक में कलर डिलीट मारना पड़ेगा आपको क्योंकि सेम कलर नहीं हो सकता। तो जिस तरह फॉरवर्ड चेकिंग होती है ना, तो फॉरवर्ड चेकिंग एक टेक्निक है, इसी तरह आर्क कंसिस्टेंसी भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो है अपने जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये आर्क कंसिस्टेंसी का कोड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉन्स्टेंट डिफाइंड है तो उसकी मदद से हम अगली पॉसिबल जो स्टेट है उसमें रिमूव कर रहे होते हैं। उस पर रिवाइज का एक मेथड यूज होता है जो कि चेक कर रहा होता है। अब जाहिर है जब आप इसका कोड लिखेंगे तो वो इतना सिंपल नहीं होगा, ये सिंपल एल्गोरिथम है। ये जो आर्क कंसिस्टेंसी है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली एन स्क्वायर डी क्यूब होती है, जो कि जाहिर है बड़ी वैल्यू है लेकिन रिलेटिवली बेहतर है, इससे बेहतर नहीं कर पाते हम उसे। तो बैक ट्रैकिंग के अंदर हम करते ये हैं कि बैक ट्रैकिंग सर्च को इम्प्रूव करने की बात हम कर रहे थे, तो उसमें हम एक्चुअली ये इन्फेरेंस बढ़ा देते हैं। ये जो इन्फेरेंस होता है ये फॉरवर्ड चेकिंग भी हो सकती है या ये आर कंसिस्टेंसी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके यूज हो सकते हैं।
या इन दोनों का कम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, सो दैट के हम जो आगे की स्टेट्स हैं उनको कम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये आर कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें हम रिवाइज का मेथड यूज करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि एक हमने प्रॉब्लम समझी थी क्रॉसवर्ड की, क्रॉसवर्ड याद है कि जिसमें 8 हमें वर्ड्स लेने थे और उसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड थे, मिसाल के तौर पे कि D1 और D2 और डोमेन डिफाइंड थे कि D1 का जो है वो इस तरीके से डिफाइंड था। अगर आपको याद हो कि D1 डोमेन में ये 5 वैल्यूज थी, D2 में ये थी, D3 में ये थी, ठीक है, और फिर D4, D5, D6, D7, D8, ये हमने क्रॉस वर्ल्ड की एक एग्जांपल देखी थी। तो वो क्रॉस वर्ल्ड की एग्जांपल अगर हम बाय यूजिंग आर कंसिस्टेंसी सॉल्व करें तो उसमें क्या होगा कि भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं D1 की और D2 की, तो डोमेन 1 और डोमेन 2 कॉन्स्टेंट हमारे पास ये थे कि भाई 1 का जो थर्ड है वो सेकेंड का 1, पहले जो भी वर्ड हम चूज करेंगे उसका जो थर्ड कैरेक्टर है वो सेकेंड का फर्स्ट होना चाहिए, इसी तरह फर्स्ट का जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो थर्ड का 1 होना चाहिए। याद आया कि हमने क्रॉस वर्ड एक प्रॉब्लम समझी थी, तो अब इसको आर कंसिस्टेंसी से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने कंसिस्टेंसी डिफाइन कर दी। अब आप सबसे पहले को चेक करें D1 D2 को, तो D1 D2 को अगर हम चेक करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसमें से हम डोमेन में से कुछ वैल्यूज निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि पहले का जो थर्ड है वो दूसरे का फर्स्ट होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे पहले का जो थर्ड है वो दूसरे का क्या फर्स्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, लिहाजा हम रिमूव करते रहेंगे और इनमें से पॉसिबल वैल्यूज निकालते रहेंगे। तो हमारे पास होगा क्या कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, ये हम एक एक करके यहाँ पर इसको निकालते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो आर कंसिस्टेंसी या फॉरवर्ड चेकिंग होती है ना, ये प्री प्रोसेसिंग होती है, यानी आगे बढ़ने से पहले हम पहले ही कुछ चीजें जो है ना वो कम करते चले जा रहे होते हैं। यानी आप यूं समझ लें कि जैसे कि आप जो है ना वो किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपके कुछ कारिंदे हैं जो आगे रास्ता साफ करवा रहे हैं। बात समझ में आए, आप बहुत बड़े वडेरे हैं, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आगे आपसे बहुत आगे लोग जो है ना वो आप गाड़ियों को जो है ना वो साइड पे करवा रहे हैं कि जी बड़े साहब आ रहे हैं, तो जब बड़े साहब गुजरेंगे तो उनको रास्ता साफ मिलेगा, प्रोटोकॉल कह लें इसे, तो बड़े साहब के आने से पहले ही रास्ता साफ करवाया जा रहा है, ये वो वाला काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें वैल्यू डिस्कार्ड करते चले जा रहे हैं। इसको आप अगर थोड़ा सा गौर से, अभी इस वक्त मुझे पता है आपकी मेंटल स्टेट क्या है, लेकिन आप क्या करें कि इसको जरा गौर से आप अंडरस्टैंड करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी सुकून से, जब आप थोड़ा रिफ्रेश माइंड हो आपका। तो उसमें क्या है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली जो है ना इसमें से वैल्यूज रिमूव करते चले जा रहे हैं, तो आपका सर्च स्पेस कम होता चला जा रहा है। होगा ये कि जब आप एंड पर पहुंचेंगे तो आपको विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉसिबल जो वैल्यूज हैं, तो आपको एंड में होगा ये कि डोमेन 1 में एक वैल्यू बचेगी, डोमेन 2 में एक वैल्यू बचेगी, डोमेन 3 में एक वैल्यू बचेगी, यानी कि एट द एंड होगा ये कि सोल्यूशन निकल जाएगा आपके पास। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो अब आपके पास जो है वो D1 में दो ही वैल्यूज हैं, तो या तो X1 में ये वन में ये वैल्यू होगी या ये होगी, 2 में या एक ही वैल्यू बची है, 3 में दो वैल्यू बची हैं, 4 और 5 में एक ही वैल्यू बची है, 6 और 7 में एक वैल्यू बची है और 8 में भी एक ही वैल्यू बची है। तो अब आपका सर्च स्पेस बहुत कम हो चुका है, अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो बड़ी जल्दी से आप जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। या मैप कलरिंग में अगर हम आर कंसिस्टेंसी को यूज करें तो उसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आपने इनिशियली तो तीनों ले लिए, लेकिन अब आप जब क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स और आर कंसिस्टेंसी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको रिकमेंड करूंगा, इनकरेज करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को, ये जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है, इसको आप आर कंसिस्टेंसी से सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे कि हमने क्रॉस वर्ल्ड को सॉल्व किया है।
तो बड़ी हद तक आपको जो है ना बात क्लियर हो जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप रिलैक्स होके सुकून से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बुक भी आपके पास मौजूद है, यहाँ डायग्राम में एक एक चीज़ आपको बता दी गई है, कॉन्स्टेंट ग्राफ मौजूद है, इनिशियल स्टेट मौजूद है, कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, तो आप डोमेन आपके पास मौजूद है, आप D1 और D2 को चेक करें, उनमें से कंसिस्टेंसी के हिसाब से वैल्यूज निकाल दें, तो आज आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक आखिरी टॉपिक जो आज का है वो है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, कि क्या ये जो प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है इसको देखते हुए हम अपने सर्च स्पेस कम कर सकते हैं। भाई मिसाल के तौर पे टोटल स्टेट्स कितनी है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 3 कलर हैं, तो ये अगर आप वैसे इन जनरल देखें तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 3^7 में से निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? थ्री की पावर सेवन क्यों, ये 7 रीजन्स हैं और हर एक की 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, डोमेन 3 है, वेरिएबल 7 है। बस यार 10 मिनट और हैं फिर क्लास ऑफ कर रहा हूं, बस आखिरी टॉपिक है ये, चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। 3 बेटा रेड ग्रीन ब्लू डोमेन और 7 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास 4 तारीख तक क्लास है बेटा आपकी, अब 4 तारीख तक जो कुछ भी होगा वो होगा, आप देखें कितना हो सकता है। तो अब ये 3^7 जो है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 इसको कुछ कम कर सकते हैं? कोई आपको ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे कि इसको हम कम कर दें? भाई ऑनलाइन है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी यूनिवर्सिटी में तुम्हें आना अलाउड नहीं है, तो ऑनलाइन ही होंगे ना बेटा। ए पक्का है बेटा, एक चीज पक्की है और वो है एफ, एफ से कम किसी का नहीं आएगा, ये तो पक्का है। उसके आगे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, सही है, आप कुछ ना भी करें ना तो एफ तो पक्का है आपका, गारंटी से कह रहा हूं मैं। नहीं रहम, मैं वो बोल रहे थे कि सर पक्का क्या है, तो मैं पक्का बता रहा हूं कि पक्का क्या है भाई, ठीक है, बाकी हो सकता है, डिपेंड करता है, कोई भी ग्रेड आ सकता है। बहरहाल चले मैं इसको खत्म करूं, वरना आप लोग जो है ना थोड़ी देर में जो है ना ऐसा ना हो कि मेरे पास कॉल आ रही हूं कि, और जियो न्यूज पे जो ना खबरें चल रही हो कि इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास लेते हुए इंतकाल हो गया और एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है इलाके में कि जो है ना ये क्लासेस बड़ी लंबी लंबी लेते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, तो मैं ये नहीं चाह रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल 3^7 है, तो कोई ऐसी आपको चीज नजर आ रही जिसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सके? तो अगर आप एक चीज तो गौर करें कि ये जो तस्मेनिया है ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसका कोई भी कलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 7 है इसको 6 कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से, इससे बड़ा फर्क पड़ गया ना, 3^6 और इसमें 3+ कर दें, यानी टी का या तो रेड का होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा, समझ में आ रही बात? ये सिर्फ हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर अपना सर्च स्पेस को कम किया है, सही है। इसको आप मजीद भी सोचें तो और भी सॉल्व हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी तक जो है ना वो हम कह रहे हैं कि भाई हर एक के अंदर 3 पॉसिबल ऑप्शंस है,
ठीक है ना, हम ये करें कि अगर मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर असाइन कर देता हूं मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे साउथ ऑस्ट्रेलिया को रेड असाइन कर देता हूं, तो अब रेड इन पांचों में से किसी का भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सब इसके नेबर हैं। तो अब बाकी की जो है ना वो पॉसिबल वैल्यूज दो ही रह गई हैं, या तो ग्रीन या ब्लू। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर करें तो हमने इस प्रॉब्लम को मजीद रिड्यूस कर दिया है कि 2 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें से आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे अपना। अच्छा ये जो हमने किया है ये बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है, इसका तो सर सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा भाई? क्या वजह है भाई? ये बात आपने क्यों कही है? ओहो इतनी टेंशन ना लो यार, नन्हे से दिमाग पे इतना जोर मत दिया करो। सही है, ये बेसिकली हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो सर्च स्पेस है उसको कम कर रहे हैं। तो एक तरीका होता है फॉरवर्ड चेकिंग, एक तरीका होता है आर कंसिस्टेंसी, और फिर हम प्रॉब्लम स्ट्रक्चर को देख के भी कुछ सोचते हैं। प्लस 3 और प्लस 1 समझ नहीं आया बेटा। देखो इनिशियली हम कह रहे थे 3 की पावर 7 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है, फिर हमने एक को निकाल दिया तो बचे 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 और तस्मेनिया का या तो रेड होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा, ये 3 ये होगा। सही है? अच्छा फिर मैं कह रहा हूं कि ये 3 की पावर 6 इसलिए है कि 6 स्टेट्स हैं और हर एक के 3 ऑप्शन हैं। तो मैं इनमें से इसको जो है अगर कोई रेड कलर असाइन कर दूं तो ये सबसे कनेक्टेड है, तो बाकी का वो कलर नहीं हो सकता, तो बाकी के लिए फिर 2 ऑप्शन रह जाएंगे, तो वो 2 की पावर 5 बच जाएगा, प्लस 3 इसका टिस्मेनिया का, और 1 जो है ना वो इसका, तो इसका एक कलर है। ठीक है, तीन ही वेरिएबल कलर्ड होंगे, बाकी क्या करेंगे? यार समझा तो दिया है, अभी समझ में नहीं आया ना तो एक काम करो, चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है, कोई अच्छी सी मूवी देखो। तो यानी कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर भी हम सामने रखते हुए अपने जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकते हैं। वैसे तो इन जनरल जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो डी की पावर एन है, यानी डोमेन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये लिखा हुआ जो भी मैंने करके दिखाया आपको, यानी अगर आपके पास बुलियन वेरिएबल हो 80 और डोमेन 2 हो, ये इसका डोमेन है, ये 80 वेरिएबल्स हैं, यानी बुलियन वेरिएबल हैं, बुलियन वेरिएबल में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो डोमेन या तो ट्रू है या फॉल्स है, 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 80 हैं, तो इसके जो रिजल्ट जो वैसे इन जनरल देखेंगे तो वो तो 2 की पावर 80 है, यानी कि डी एन। सही है, लेकिन अगर हम इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें तो अगर 10 मिलियन नोड्स भी होंगी तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में रिजॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो उससे जो है ना प्रॉब्लम डोमेन हमारी कम हो जाएगी स्ट्रक्चर को देखते हुए, और हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में रिजॉल्व करके हम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ये बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारा ग्राफ हम बनाते हैं, तो इस ग्राफ को अगर हम ट्री में कन्वर्ट कर दें,
तो भी हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि ग्राफ जो है ना वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, वो बेसिकली एक ट्री होती है। तो हम क्या करें कि इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है इसको अगर मैं एक ट्री में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं? मैं ये करूंगा कि भाई एक ए है, ए का चिल्ड्रन जो है ना वो बी है, बी का चिल्ड्रन जो है ना वो सी और डी है, और डी का चिल्ड्रन जो है ना वो ई और एफ है। समझ में आया मैंने क्या किया? इससे ये कि हमारा जो है ना वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। यानी ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ग्राफ है, ठीक है, इसको हमने किया क्या कि इस तरह ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ए का ये बी है, बी के अंदर सी और डी है, डी में ई और एफ है। तो अब उससे जो है वो हमें जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, यानी ए के अंदर जो है वो रेड हमने रख दिया, अब बी जो उसका चिल्ड्रन है जाहिर है उसमें रेड नहीं हो सकता, तो अब इसमें ये दो बचे हैं। बी का जो चिल्ड्रन है उसमें जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें ग्रीन भी नहीं हो सकता और रेड भी नहीं हो सकता। ग्रीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रीन जो है ना वो ब्लू इसका है, इसके पेरेंट का है। ठीक है, रेड जो है ना वो हमने यहाँ से रिड्यूस करवा दिया। फिर मजीद डी के अंदर जो तीन ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे रख दिए, फिर ई का ऑप्शन रख दिए, फिर यानी आपका जो सर्च स्पेस है वो कम से कम होता चला जाएगा आर कंसिस्टेंसी की बेसिस पे, फॉरवर्ड चेकिंग की बेसिस पे और प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की बेसिस पे। तो सर्च आपको कम करना पड़ेगा, टाइम जल्दी हो जाएगा, जल्दी आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, चलें जी, मेरा ख्याल है कि ये आपकी समरी देख लेते हैं बस। अब समरी क्या है? समरी ये है कि बेसिकली सीएसपी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, सर्च प्रॉब्लम है। इसमें जो स्टेट्स होती हैं वो फिक्स्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स में से आती हैं, गोल टेस्ट डिफाइन होता है, इसमें एक बैक ट्रैकिंग सर्च होती है जो कि एक्चुअली एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, और उसमें वन वेरिएबल असाइन करते हैं पर नोड। वेरिएबल ऑर्डरिंग एंड वेरिएबल सिलेक्शन जो है वो हेरिस्टिक की मदद से हम करते हैं। इसमें एक टेक्निक होती है फॉरवर्ड चेकिंग, ये लेक्चर 6 है बेटा। फॉरवर्ड चेकिंग जो है ना वो असाइनमेंट्स को प्रिवेंट करती है, बिफोर आगे जाने से पहले हम जो है ना वो फेलियर चेक कर रहे होते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन, ये आर कंसिस्टेंसी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सीएसपी में, यानी ये पहले से जो है ना वो आगे चेक कर रहा, आगे की चीजें चेक कर रहा होता है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है airspace.org कॉन्स्टेंट। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे रिलेटेड टू सीएसपी।